हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि 31 जनवरी 2018 को माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना अगर आप करते हैं तो जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और शास्त्रों के हिसाब से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह लगभग 10 बजे पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पण करते हैं, माता को धूप दीप करते हैं, लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं और माता लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए बुलाते हैं यानी आमंत्रण देते हैं, और उस जातक के घर पर लक्ष्मी माता की सदा कृपा बनी रहती है। पर दोस्तों, 31 जनवरी इस बार ग्रहण है और ध्यान रखें कि 31 जनवरी को पढ़ने वाला ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ आदि आपको नहीं होगा। सुबह 8:18 पर सूतक काल लग जाएगा, जिसके बाद खाने पीने की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या हमारे घर का मंदिर हो, मंदिर के पट उस दिन बंद कर देने चाहिए। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं होता है। आप चाहें तो मानसिक जप कर सकते हैं। और ध्यान रखें, ग्रहण का टाइम है शाम को 5:18 और मोक्ष की प्राप्ति होगी यानी कि ग्रहण पूरा होगा रात को 8:53 पर। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण पुष्य यानी कि अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों पर पड़ेगा। इनके लिए इस ग्रहण के प्रभाव अत्यंत शुभकारी होने वाले हैं और इन लोगों को लंबे समय से चली आ रही चिंताएं आपके लिए बहुत लकी होने वाली है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की अवधि में थोड़ी सी कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, प्लीज़ ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं, फिर से बता रही हूँ, क्या करना है क्या नहीं वो आप दूसरे वीडियो में देख लें। और सूतक की अवधि के बाद आपको तुरंत खाना भी नहीं खाना है, स्नान ज़रूर करना है आपको और उसके बाद तुरंत खाना नहीं करना है। कुछ भी आप पूजा पाठ करें, मंदिर साफ करें अपने घर का मंदिर, और उसके बाद एक मंत्र का कम से कम जप करें, चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद ही मुख में कोई भोजन आपको लेना चाहिए। बच्चे, बुजुर्गों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं पे कोई इस तरह के खान पान के नियम लागू नहीं होते हैं। इनको समय पर भोजन और दवाइयाँ आदि अपनी दे देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, पूनम पर आपकी पूजा कैसी होगी। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन है तो आपको सुबह 8:18 के पहले हर प्रकार का स्नान दान आदि कर लेना है। थोड़े से पानी में लक्ष्मी माता को हम इनवाइट करेंगे दोस्तों अपने घर, और करामाती आज उपाय बता रही हूँ आपको पूर्णिमा के, वो आप करें। सुबह सुबह उठ के करें, 8:18 के पहले करें। क्या करना है, थोड़े से हल्दी में थोड़ा पानी डाल लीजिए और उसको घर के मुख्य दरवाजे या प्रवेश द्वार पर आप ओम का चिन्ह बनाएं। यही काम आप गेरू से भी कर सकते हैं। अगर आपको गेरू अवेलेबल हो जाती है तो आप गेरू से ओम का चिन्ह बनाएं, और नहीं तो हल्दी से आप अपने मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बना सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जब उदय हो जाएगा रात में तो हम बताते हैं कि खीर का भोग लगाना चाहिए, लेकिन हालांकि ग्रहण रहेगा इसलिए खीर का भोग आप चंद्रमा को 9:32 के बाद लगाएंगे। मिश्री डाल लें खीर में और बनाकर पहले माता लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं, फिर उसको प्रसाद के रूप में सभी लोगों में घर में वितरण करें। आप देखेंगे दोस्तों, धन आगमन का मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त हो जाएगा। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर अगर कल आप एक काम कर लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है। जैसे दिवाली पर आपने आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंदरवार बनाया था, आपको सुबह सुबह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताज़े पत्तों से बनाया हुआ तोरण ज़रूर बांधना चाहिए। इससे घर में शुभता का वातावरण रहेगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर पर प्रवेश नहीं करेगी। अगर लंबे समय से और प्रेम से भरे दाम्पत्य जीवन में आपके प्रॉब्लम्स आ रही है दोस्तों, तो ये उपाय आपके घर पे क्लेश रहता है, तो एक तोरण का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या को आपको ध्यान रखना है। जो भी मैरिड लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का संग पति पत्नी का आपस में नहीं करना है। ब्रह्मचर्य आपको कल की डेट में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन ना करें, एक दिन अवॉइड करें, ये चीज़ आपके शरीर में ज़्यादा निगेटिविटी भरती है और इस दिन जुए, शराब, किसी भी तरह का गंदा नशा, ड्रग्स वगैरह जो लोग लेते हैं वो सब, इवन अपनी जो फीलिंग्स होती है क्रोध की, गुस्से वाली, नफरत की, दूसरों की चुगली करने की, बुराइयों की, हिंसा आदि की, इसको भी हमें अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग, किसी भी स्त्री हो, कोई भी बड़े हो, गुरु हो, इन किसी का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को भी आप अपशब्द ना बोलें, नहीं तो ये बहुत बहुत हानिकारक होता है। आपको शिव जी की पूजा करनी है, सुबह 8:18 के पहले करनी है या रात को 9 के बाद करनी है। कैसे करेंगे आप? शिवलिंग पर आपको शहद डालना है, कच्चा दूध लेना है, बेल पत्र और शमी का पत्ता, दोस्तों स्पेशली शमी पत्र अगर आपको मिल सके उससे आपको शिवलिंग की पूजा ज़रूर करनी है। और कोई भी मौसमी फल आप चाहे एक मिश्री कन ले, चाहे एक बेर ले, शिव जी को ये फल बहुत पसंद आते हैं। ये चढ़ाने से भगवान शिव की जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको एक काम और करना है, जब आप शिव जी को स्नान कराएंगे या उनका अभिषेक करेंगे तो आपको सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर के भगवान शिव को अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर से कलह और अशांति दूर होगी। ध्यान रखें, चंदन शिव जी को अर्पित करने के बाद अपनी उंगलियों को पोंछ लें और फिर थोड़ा सा चंदन ले करके अपने माथे पर और जो भी वहाँ उपस्थित जन हैं आपके परिवार वाले सभी के माथे पर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूँ, ध्यान रखने योग्य है, कभी भी भगवान किसी भी देवी देवता को जिस उंगली से आप तिलक लगाते हैं वो सेम तिलक आपको अपने माथे पे नहीं लगाना चाहिए। उंगली को पोंछ लें, उसके बाद फ्रेश तिलक लेकर के आपको अपने सिर पे लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, पति पत्नी के क्लेश होते हैं, तो दोस्तों पति पत्नी में से कोई भी एक जने दूध से चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। ये अर्घ आपको रात को 8:30 के बाद देना, 8:41 के बाद देना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों जन एक साथ दे सकें हाथ से लोटा लेकर के दोस्तों, तो इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो पूर्णिमा के दिन दोस्तों आपको रात को चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके ओम स्रांग स्रींग स्रोंग सह चंद्रमा से नमः, क्या बोलना है, ओम स्रांग स्रींग स्रोंग सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना है और वहाँ पे आपको दूध अर्पित करना है, या फिर आप नॉर्मली भी बोल सकते हैं ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। दोस्तों इस मंत्र को जप करते हुए ग्रहण के बाद आपको अर्घ देना है और धीरे धीरे आप देखेंगे हर पूर्णिमा को अगर आप ऐसा करने लगते हैं, आदत डाल लें, साल भर के अंदर अंदर आप बम बम हो जाएंगे, माता लक्ष्मी आपके घर पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। दोस्तों आपको माता लक्ष्मी की एक पूजा और करनी है, रात के वक्त आपको 9 के बाद ये पूजा करनी है, ग्रहण समाप्ति काल के बाद स्नान आदि कर लें, भगवान का स्थान पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें और फिर माता लक्ष्मी के चित्र पर आपको 11 कौड़ियाँ चढ़ानी हैं, उन पर आपको हल्दी से तिलक करना है। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को आपको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना है, इस उपाय से घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। अगर आप मंत्र करना चाहें तो आप माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र ओम लक्ष्मी नमः कर ले या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कर ले। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट डे आपको इन कौड़ियों को लाल कपड़े में, लाल कपड़ा जो आप लेंगे ध्यान रखें वो रेशमी वस्त्र होना चाहिए, कोई भी आप लक्ष्मी के लिए अगर कोई भी चीज़ रखते हैं बांध करके हमेशा रेशमी कपड़े में रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को रेशमी वस्त्र पसंद होता है। आप रेड रेशमी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं या फिर पिंक ले सकते हैं, इसके अलावा ब्लू ब्लैक कपड़ा आपको नहीं लेना है। इनको लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दें दोस्तों, आप देखेंगे घर में धन की कमी आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाने वाली है।
इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा को अगर आपने पहले से रखा हुआ है कोई भी पूजन करके, तो उन चीज़ों को आप निकाल ले। अगर आपने कोई भी दक्षिणावर्ती शंख रखे हुए हैं, कुबेर यंत्र रखा हुआ है, श्री यंत्र रखा हुआ है, व्यापार विधि यंत्र रखा हुआ है, या एकाक्षी नारियल रखा हुआ है, हत्ता जोड़ी आदि रखा हुआ है, कोई भी चीज़ आपने नाग केसर रखा हुआ है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी आपको कल निकाल करके, उसको पूर्णिमा का दिन है, माता लक्ष्मी के सामने रख लें, उनकी पूजन करें, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें, और फिर अगले दिन वापस उनको अपने लॉकर में या जहां भी आपने स्थापित कर रखा था वहां पर उनको स्थापित जरूर कर देना है। आप देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ध्यान रखें उनको चेंज नहीं करना है, उसी को निकाल करके उसका पूजन करके वापस से उसको माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। दोस्तों आपको लक्ष्मी माता को इत्र और सुगंधित धूप दीप आदि करने चाहिए, ये आपके लिए बहुत लकी माना जाता है। अगर आप कल रात को पूजा करने के बाद लक्ष्मी माता को अपने घर बुलाना चाहते हैं, अपने घर में बरकत बढ़ाना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में परमानेंट रूप से निवास करें, तो दोस्तों आपको इत्र लक्ष्मी माता को अर्पित करना है। इत्र की शीशी पूरी खोल दें और माता के वस्त्र पर इत्र छिड़क दें, और उस फिर आप जो भी धूप या अगरबत्ती ले रहे हैं उसकी पैकेट से एक थोड़ी सी धूप निकाल करके जला लें, और फिर धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी माँ से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। दोस्तों सच्चे दिल से अगर आप कल प्रार्थना करते हैं तो हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है, और हर जातक को अपने घर के मंदिर में प्रेम शुभता और धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, और जो भी आप कुछ भी चाहें दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लाके ज़रूर, दिव्य वस्तुएं जो होती है सारी नहीं रखनी होती, आप कोई भी एक चीज़ दिव्य वस्तु जो भी आप हासिल कर सकें उसको आपको अपने घर में पूजा स्थल पर ज़रूर रखना चाहिए, इससे दिन दुनी रात चौगुनी बरकत होती है। साबुत अक्षत, जैसे आपने श्री यंत्र लिया तो उसको कैसे स्थापित करें, चावल की ढेर कर ले, लाल कर ले चावलों को थोड़े से कुमकुम से, या फिर आप हल्दी से भी पीला कर सकते हैं, और उस चावल के ढेर पे आपको श्री यंत्र आदि स्थापित करने चाहिए, और हर पूर्णिमा को इन चावलों का आसन जो होता है उसको बदल कर नए चावल रखने चाहिए, ये नियम होता है दोस्तों। और पुराने जो चावल होते हैं उसको किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, या किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट छोटा सा काम करना है। पूर्णिमा की रात है और आपको 15 से 20 मिनट तक त्राटक जरूर करना है। दोस्तों आपको बता दूं 14 गुना ज़्यादा बड़ा होने वाला है चंद्रमा, इसे कई लोग सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून भी कह रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त खगोलीय घटना होने वाली है, ये चंद्र ग्रहण वाली मानी जाती है 150 साल के बाद ये घटना होगी। इस दिन रात को अगर आप त्राटक कर लेते हैं दोस्तों 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखें, इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है, पर ध्यान रखें ग्रहण काल पूर्ण होने के बाद ही आपको देखना है। और पूर्णिमा की रात में अगर चंद्रमा की रोशनी में आप सुई में धागा पिरो लेते हैं, उसको पिरोने का अभ्यास करते हैं, तो इससे भी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। दोस्तों चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभदायक है, और यदि हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पे पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, बार बार कह रही हूँ, ग्रहण का समय है, ग्रहण काल पूर्ण होने के बाद ही आपको ये उपाय करने हैं, तो गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से आपको कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना है। दोस्तों कर लीजिए ये उपाय, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी से तुरंत शेयर करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत स्नान का दिन है। हो सके तो किसी भी तीर्थ में आसपास गंगा आदि में जा करके सुबह या रात के वक्त स्नान करें। और दोस्तों ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा सबसे शेयर करें, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।